हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पाली पुलिस ने किया पर्दाफाश। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में 2 दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूली। गिरफ्तार अभियुक्तों से 23 एटीएम कार्ड और स्विफ्ट कार की बरामद। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के आदेश अनुसार अपराध को रोकथाम एवं धोखाधड़ी मामले के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सिटी थाना कोतवाली अधिकारी गौतम जैन में गठित टीम द्वारा अंतर्राज्यीय एटीएम बदल रुपए निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। एटीएम बदल कर लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली और एटीएम बदल पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस द्वारा उक्त गैंग के शातिर 2 अभियुक्तों को, जो मुंबई के रहने वाले पंकज शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 साल, अंधेरी ईस्ट मुंबई, व अल्ताफ पुत्र हमीद शेख, उम्र 44 साल, अंधेरी ईस्ट मुंबई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से 23 एटीएम एवं पाली जिला मुख्यालय पर एक वृद्ध के खाते से निकाले गए 35,000 और स्विफ्ट कार बरामद की गई। गौरतलब रहे कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्तों ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित इन राज्यों में 2 दर्जन से अधिक एटीएम बदल धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने और निकालने की वारदात करना कबूला। पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों से वाहन पूछताछ की जा रही, जिससे कि और भी बड़ी वारदात खुलने के आसार लग रहे हैं। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के आदेश अनुसार पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार गैंग के इन अभियुक्तों के तार अंतर्राज्यीय गिरोह से हैं। गिरोह के 2 अभियुक्तों पंकज शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 38 वर्ष, अंधेरी ईस्ट मुंबई, अल्ताफ पुत्र हमीद शेख, उम्र 44 वर्ष, अंधेरी ईस्ट मुंबई को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले निर्मल पारक नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दी थी कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पैसे निकालने गया था। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसका पैसे नहीं निकल रहे थे, तो पीछे से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, अगर आपको पैसे नहीं निकल रहे तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो उसने मदद करने के नाम पे उसके एटीएम ऑपरेट किया और उसको उसके बदले में दूसरा एटीएम पकड़ा दिया, जिसको लेकर निर्मल पारक चला गया। थोड़ी देर बाद जब निर्मल पारक के मोबाइल पर पैसे विड्रॉल के एसएमएस आए, तब उसको पता चला कि उसके साथ चीटिंग हो गई। उसको खुद के एटीएम के बदले कोई और एटीएम उस फ्रॉड व्यक्ति ने पकड़ा दिया। सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बैंक के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के सीसीटीवी फुटेज पता किया, तो एक स्विफ्ट गाड़ी के जो महाराष्ट्र पासिंग थी उसके नंबर आए, जिसका फॉलोअप किया गया, तो 2 व्यक्तियों को गाड़ी से दस्तयाब करने में पुलिस को सफलता मिली। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।